मैं बनूँ का खूब चर्चा का। मदीना। था था कर, था 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 था। करूँ सुन तो करम बहरे आलमीन والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما अम्मा فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله

सल्ला तै वसलम को फ़रमाने आलीशान है हज़रत अब्दुल्ल बिन मसूद रदी अल्लाह तदीफ़ रावी हैं आपने फ़रमाया कौल रसूल सल्ला वसम अल नासी बी याल़ियामती अक्सर या सलातन अवा कौल नबी सल वसम के लोगों में से क़ियामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो मेरी पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा शब जुमा और मुबारक के दिन कसरत दुरूद की ख़ास ताक़ है एक हदीस बात में आता है अक्सर सलाइया फ़िलतिलयल अज़हर फन्ना सलाम तोलैया जुमातुल्बारक की चमकती दमकती रातों और जुमतुलमबारक के दिन मेरी पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो फल तो बेशक तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है सलूल हबीब सहम्मदी वबारक वसलम अल्लाह इज्जत ने किसी भी चीज को बगैर मकसद के पैदा नहीं किया रब्बे कायना की तखलीक करदा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान उनकी पैदाइश के मकसद को जान चुका है कि इन चीज़ों के फ़वाद क्या हैं रब कायन की पैदा करदा कई ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान उनके फ़वाद और उनके मकासद को अभी तक जान ना सका इंसान अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए जो चीज़ें खुद बनाता है उन चीज़ों के बनाए जाने का भी कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है और यह भी हम जानते हैं कि जब कोई चीज़ अपने बनाए जाने के मकसद को पूरा कर रही होती है तो उस चीज़ की कदर होती है और जब अपने बनाए जाने के मकसद को पूरा ना करे तो अपनी कदर खो देती है डी वैल्यू हो जाती है लिबास जो हम पहनते हैं लिबास के बनाए जाने का मकसद यह है कि ये हमारे जिस्म को छुपा ले। लेकिन ये जब हमारे जिस्म को छुपाने के काबिल ना रहे तो हम इस लिबास को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं किसी बल्ब या ट्यूबलाइट के बनाए जाने का मकसद ये होता है कि यह हमें रोशनी दें लेकिन जब ये फ्यूज़ हो जाए तो कोई इन्हें अपने इस्तेमाल में नहीं लाता बल्कि कूड़े के ढेर पर इन चीज़ों को फेंक दिया जाता है तो कोई भी चीज़ उस वक्त तक उसकी कदर हमारे दिलों में होती है कि जब तक वो अपने बनाए जाने के मकसद को पूरा कर रही होती है और जब वो अपने बनाए जाने के मकसद को पूरा ना करे तो अपनी कदर खो देती है ये माइक ये साउंड ये स्पीकर बनाए जाने का मकसद ये है कि ये आवाज़ दूर तक पहुंचाएं अगर खुदा ना खासा लाइट का फेलियर हो जाए लाइट चली जाए तो जाहिर है कि इसमें से आवाज़ आगे नहीं जाएगी तो इसका मकसद आर्जी तौर पर फौत हो जाएगा तो कहने का मकसद ये था कि इंसान अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें बनाता है जब तक वो चीज़ें जिस मकसद के लिए बनी हैं वो मकसद पूरा कर रही होती हैं तो इंसान के दिल में उन चीज़ों की वक्त होती है और जब वो अपने बनाए जाने के मकसद को पूरा ना करें तो अपनी कद्र खो देती हैं इसी तरह इंसान खुद जो मखलूकात है यकीनन इंसान के पैदा किए जाने का भी कोई ना कोई मकसद ज़रूर है अल्लाह इज़्ज़त ने अपने कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद में इंसानों और जिन्नात की पैदाइश के मकसद को बयान किया रब कायन ने इर्शाद फरमाया, वमा फरमायाबून के हमने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि ये हमारी बंदगी करें यानी जिन्नात और इंसान ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत के लिए इनको पैदा किया है जितनी भी चीजें अल्लाहत ने जमीन में पैदा फरमाई है इन चीजों के पैदा करने का मकसद यह है कि इंसान इससे नफा हासिल करे अल्लाह इज़्ज़त ने अपने कलाम कुरानी मजीद फुरक़ान हमीद में फरमायावी खुम और जमी आ कि रब तबारक व तआला वो है कि उसने जमीन में जो कुछ भी है वो तुम्हारे लिए पैदा किया है तो जमीन में जो कुछ पैदा किया गया वो इंसान के लिए पैदा किया गया लेकिन इंसान की पैदाइश का मकसद अल्लाह इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि इंसान और जिन्नात को अल्लाह इज़्ज़त ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया हम देखते हैं कि एक इंसान दुनिया में आया कोई शीर खारगी के आलम में दुनिया से चला जाता है कोई बचपन की दहलीज पर पहुँच कर दुनिया से रुखसत हो जाता है कोई लड़कपन के मकाम पर आकर दुनिया से रुखसत हो जाता है कोई जवानी को देख कर दुनिया से जाता है कोई बुढ़ापे की मंजिल पर पहुंचकर दुनिया से जाता है तो जो भी इंसान दुनिया में आया अगरचे दुनिया में आने की तरतीब कुछ और होती है और जाने की तरतीब का किसी को पता नहीं होता दुनिया में आने की तरतीब क्या है कि पहले दादा दुनिया में आए फिर अब्बा जान दुनिया में आए फिर मैं दुनिया में आया लेकिन जाने की तरतीब का किसी को पता नहीं होता कि पहले कौन दुनिया से रुख्सत हो जाए बहरहाल ये कंफर्म है कि जो भी आता है वो जाने के लिए आता है कोई भी दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आता और ना कोई हमेशा रहा ना कोई हमेशा के लिए रहेगा जो भी दुनिया में आया उसे आखिरकार दुनिया से जाना ही है तो हमने शायद इंसान के दुनिया में आने और दुनिया से जाने के इस सिलसिले को मामूली समझ लिया और रूटीन का काम समझा किसी जनाजे में गए तो कह दिया इन्ना लिल्लाहि बस जी अल्लाह की मर्जी है सब ने जाना है तो ये कहना चाहिए इसमें कोई हरज नहीं है ये कहना चाहिए लेकिन एक इबरत का सामान हम सब को हासिल करना चाहिए ये दुनिया से जाने वाले हमें ज़बान हाल से पुकार कर ये कह रहे होते हैं कि ऐ हमारे जनाजों के करीब आने वालों ए हमें उठाकर जनाजा गाह की तरफ लेकर जाने वालों ए हमारी मैयत पर नमाज जनाजा पढ़ने वालों ए हमारे लिए दुआए मगफिरत करने वालों ए हमें कब्र की अंधेरी वादियों तक छोड़कर वापस चले आने वालों हम भी तुम्हारी तरह दुनिया के इंसान थे हमारी भी तमन्नाएं थी हमारी भी आरजुएं थी हमारी जिंदगी की न जाने क्या क्या प्लानिंग्स थी हम क्या कुछ करना चाहते थे हमारे बड़े बड़े फ्यूचर प्लान थे हमारी आजुएं थी हमारे जिंदगी के कई मकासिद थे हम भी तुम्हारी तरह दुनिया में हंसी खुशी रहते थे लेकिन मौत ने हमें कब्र की अंधेरी वादियों तक पहुंचा दिया हमने सोचा नहीं था कि हम ऐसे मर जाएंगे अचानक फौत हो जाएंगे हमने सोचा था कि अभी लंबी उम्र पाएंगे अभी जिएंगे, अभी दुनिया की चीज़ें बरतेंगे अभी अपने माल से हम महजूज़ होंगे अभी दुनिया की ये जो लग्जरियस लाइफ है हम इससे इस्तफा करेंगे लेकिन हमें पता ना चल सका अचानक ही हमारी मौत आ गई तो ये दुनिया से जाने वाले बता रहे होते हैं कि हमारी तमन्नाएं थी हमारी आरजुएँ थी कहीं तुम हमें दफन करने के बाद अपनी मौत से काफिल ना हो जाना तुम्हें भी आखिरकार मौत का शिकार होना है अल बाबुन अलमाऊ तु दाखिलुहा। अल तु कदहुन कुल्लु नफसिन एक ऐसा दरवाजा है जिससे सबने गुजरना है एक ऐसा जाम है जो सबने पीना है कई ऐसे हैं कि जो बखुशी इस जाम को पीते हैं और कई ऐसे हैं कि जो चाहते नहीं है कि हम मर जाए बता है कि मर जाना है लेकिन मौत का जिक्र कई लोगों को अच्छा नहीं लगता जबकि पता है कि दुनिया में आने का जो सिलसिला है ये सिलसिला किस लिए है ये मौत और हयात का सिलसिला किस लिए है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदगी और मौत को जो पैदा किया है इसका मकसद क्या है रब तबारक व तआला ने अपने कलाम कुरानी मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवाकुम अय्युकुम अहसनु अमला कि रब तबारक व तआला वो है कि जिसने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया अब अय्युकुम अहसनु अमला ताकि वो आजमाए कि तुम में से अच्छे अमल करने वाला कौन है ये हमारे टेस्ट के लिए है ये हमें एग्जामिन किया जा रहा है ये हमें जांचा जा रहा है ये हमें परखने के लिए मौत हयात का सिलसिला है कि हम में से कौन अच्छे अमल करने वाला है ये इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ दुनिया के होकर रह जाएं। अमीरुल मोमिनीन हजरत सजिदुना उस्मान गनी अल्लाह तहों ने एक खुतबे में इर्शाद फरमाया था जिसका मजमून कुछ यूं था कि अ लोगो तुम्हारे रब ने तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा ताकि तुम दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करो इसलिए नहीं भेजा कि तुम दुनिया के होकर रह जाओ हमारी प्लानिंग से ये जाहिर होता है हमारी ख्वाहिशात से ये जाहिर होता है कि जैसे हमें हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में रहना है आप देखें जरा अपने इर्द गिर्द के माहौल पर निगाह डालें जरा तारीख का मुताला करें कि कितने जाहो हशमत के मालिक इस दुनिया में आए कितने बड़े बड़े रवा इस दुनिया में आए कितने बड़े बड़े सलातीन जमाना दुनिया में आए जिनके एक हुक्म से सल्तनतें जीरो जबर हो जाती थीं कितने बड़े बड़े जर्नैल कितने बड़े बड़े अपने रोबो दबदबे के मालिक दुनिया में आए लेकिन मौत ने सबको कब्र की गहराइयों तक पहुंचा दिया आज बेशुमार लोग हैं कि जिनको कोई जानता नहीं है आए बड़ा रोग था बड़ा तुष को एहतान था बड़ी ताकत थी बड़ी सल्तनत थी बड़ी फौजों के मालिक थे लेकिन मौत ने उनकी दास्तानों को मिटा दिया कुछ अरसा पहले एक वली कामिल हज़रत शेख शहाबुद्दीन शोहर वर्दी रहमत ल्ल तल के दरबार आलिया पर हाज़री की शादत मुझे नसीब हुई सिलसिला शोहर वर्दिया के बहुत अजीम रूहानी पेशवा हैं और हमारे शेख उमालमुसम बहाद्दीन जकरिया मुल्तानी रमत लिरशद हैं हज़रत शेख शहाबुद्दीन शोहर वर्दी रम् तैय तो जब हम लोग वहाँ पर हमने हाज़िरी दी तो हाज़री के बाद जब हम पलट कर वापस आ रहे थे तो एक छोटा सा कमरा था बोसीदा सा उसमें ऐसा महसूस हुआ कि किसी की कब्र है तो वहाँ के जो खादिम थे उनसे मैंने पूछा कि ये किसकी कब्र है तो उस खादिम ने जिक्र किया कि ये फुला अपने दौर के मशहूर बादशाह की कब्र है अपने दौर के वो मशहूर बादशाह थे लेकिन कोई शख्स आज उस बादशाह की कब्र पर हाज़री देने के लिए तैयार नहीं है ये दुनिया है जिन लोगों ने दुनिया में अल्लाह तबारक के वहकाम पर अमल किया जिन्होंने रब कायनात के अहकाम की पैरवी की जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत का चिराग अपने दिल में जलाया जिन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत की रब कायनात ने उनके नामों को लोगों के दिलों में जिंदा कर दिया उन्हें दुनिया से रख्सत हुए सैकड़ों साल हो गए आप देखें दुनिया में रहम के मजारात की तरफ निगाह डालें पाकिस्तान में अलिया पाकिस्तान के बारे में पढ़ें कि हजरत शाह गाजगी रहमत सिंह एक सौ पचास हिजरी में उनका उनकी शहादत हुई हजरत दाता साहब रहमत हजरत ख्वाजा मोनुल्दीन चिश्ती रहा तलरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमत हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहा आज पूरे मुल्क पाकिस्तान के कोने कोने में अल्लाह वालों के मजारात हैं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हिंद में बांग्लादेश में पूरी दुनिया में अल्लाह इज़्ज़त के नेक बंदों के मज़ारात मौजूद हैं और लोग उन मज़ारात पर हाजिर होकर इन अल्लाह वालों की बरकतें आज भी हासिल करने के लिए उनके मज़ारात पर हाजिर होते हैं हम से कोई उनका रिश्तेदार नहीं होता जब उनके मजारात पर हम जाते हैं कोई दुनियावी रिश्तेदारी या दुनियावी ताल्लुक कोई कदीम जमाने से चला नहीं आ रहा था बस फकत अल्लाह इज्जत के दिन से मोहब्बत हमें उन लोगों के दरबारों पर ले जाती है तो इन लोगों ने रब्बे कायनात के दीन से मोहब्बत की रब्बे कायनात ने इनका नाम जिंदा कर दिया अल्लाह इज्जत ने अपने कलाम कुरानी मजीद फुरकान हमीद में फरमाया हुआ मोमिन फल हयातन तबा जिसने भी ने कमल किया मिन जकर औसा चाहे वो मर्द है या औरत वह हुआ मोमिन लेकिन शर्त क्या है कि वो मुसलमान हो हम उसे जरूर पाकिजा जिंदगी अता फरमाएंगे ने इसकी वजाहत की है कि पाकिजा जिंदगी क्या है कि दुनिया की जिंदगी उससे टेंशन खत्म हो जाएगी दुनिया की जिंदगी की आसानियां अल्लाह इज्जत इन लोगों को अता फरमा देता है और आखिरत में जन्नत की आला नेमतें इन बंदों को अता फरमाता है हमेशा हमेशा की जिंदगी इन लोगों को यह नसीब हो जाती है तो आमाल सालिहा से मन ईमान के साथ शर्त है तो अल्लाह रब्बुल रबुल्जत के इन लोगों ने दुनिया में इस मकसद को समझा कि हमारी पैदाइश का मकसद क्या है और हमें किस अंदाज से अपनी जिंदगी को गुजारना है रबी कायनात ने कुरानी मजीद फुरकान हमीद में फरमाया तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया और क्या तुम्हें हमारी तरफ लौट कर नहीं आना बताया जा रहा है कि हम बेकार पैदा नहीं हुए बल्कि रब कायनात की तरफ लौट कर जाना है एक इम्तिहान है एक टेस्ट है जिसके लिए हाजिर होना है आखिरत की एक जिंदगी है कि जिसका जिक्र हमारे सामने किया गया है लेकिन हम दुनिया में आकर जैसे ही हमने होश संभाला दुनिया की फिक्रों में हम गर्क होते चले गए जैसे ही होश संभाला हमारे कलूब अजहान में यह बात इंजेक्ट कर दी गई कि तुम्हें दुनिया का कोई बड़ा आदमी बनना है तुम्हें पैसा कमाना है तुम्हें अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है तुम्हें जनाब दुनिया में फुला फुला ओहदे को हासिल करना है तुम्हें फुला मनसब को हासिल करना है तुम्हारी जिंदगी का मकसद दुनिया के मुस्तकबिल की ताबनाकी है ब्राइट फ्यूचर आज हमारे माशरे में यही है कि जैसे ही बच्चा होश संभालता है उसे बताया जाता है कि तुम्हें क्या करना है सिर्फ और सिर्फ दुनिया की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अहदे सिर्फ दुनिया के मनसब सिर्फ दुनिया का अच्छा स्टेटस सिर्फ दुनिया की खुशहाली वाली जिंदगी और माल और दौलत का हसूल यही बताया जाता है आप ही देखिए कि इंसान इस दुनिया में जितना भी रहे अल्लाह इज्जत ने हर मखलूक का रिस्क मुकर फरमा दिया है रोजी अल्लाह इज्जत के ज़िम्मे है वबामिन दाबतन फिलदीअल्लास्कु हा अल्लाह इज्जत के जिम्मे है रिस्क जितनी भी मखलूक है उसका रिज्क इज़्ज़त के जिम्मे है फरमा दिया और मुसलमान को इस पर यकीन कामिल है, कि मेरा रब मेरा राजिक है मुझे रोजी देने वाला है जब तक मेरी किस्मत का एक एक जर्रा मेरे जिस्म में नहीं पहुंच जाता जब तक किस्मत का एक एक कतरा मैं पी नहीं देता जब तक मैं अपनी किस्मत की एक एक नमत से महजूज नहीं हो जाता मैं दुनिया से नहीं जाऊँगा ये तो कन्फर्म है लेकिन हमारा जहन ये बना हमें दुनिया के लिए कोशिश करनी है अपने दुनिया के मुस्तबिल की ताबलाकी के लिए कोशिश करनी है आप ये देखिए कि आज जो वालदे अपने बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते हैं केमिस्ट्री पढ़ाते हैं बायोलॉजी पढ़ाते हैं जोलॉजी पढ़ाते हैं बॉटनी पढ़ाते हैं या जो मेडिकल नॉन मेडिकल की तालीम हासिल कराते हैं जो चार्टेड अकाउंटेंट बनाते हैं तो क्या कोई ये सोचकर फिजिक्स पढ़ता है कि ये पढ़ना इबादत होगा क्या कोई केमिस्ट्री को पढ़ना इबादत समझता है क्या कोई मेडिकल साइंस इसलिए पढ़ता है कि वो कोई इबादत कर रहा है क्या कोई इंजीनियरिंग इसलिए कर रहा है कि उसके नज़दीक इंजीनियरिंग करना कोई इबादत है नहीं बल्कि हर शख्स के जहन में यह होता है कि जो मैं तालीम हासिल कर रहा हूं मैं इसके जरिए अपने दुनिया के मुस्तकबिल को अच्छा कर लूंगा बस यही मकसद है और इसी मकसद के हसूल के लिए आज हमारे वालदेन या हमारे सरपरस्तों या हमारे बड़ों की कोशिश है बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हों कि हमारा बच्चा एक डॉक्टर बनने के साथ साथ एक बाबल मुसलमान भी बन जाए बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हों कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनने के साथ साथ दीन का एक मुबलिक भी बन जाए बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हो कि हमारा बच्चा एक अच्छा बिजनेस मैन होने के साथ साथ अल्लाह इज़्ज़त के दीन की मुआशरे में फरोग करने वाला दीन को दुनिया में पहुंचाने वाला बन जाए रब कायनात का दीन जो पूरी दुनिया में फैला है ये मुख्तलिफ इंसाइक्लोपीडियाज के मुताबिक ये दीन मुसलमान ताजरों ने पूरी दुनिया में फैलाया तिजारत भी की और अल्लाह इज़्ज़त के दीन को भी फैलाया लेकिन आज अल्लाह इज़्ज़त के दीन की इशात रब्बे कायनात के दिन पर अमल करना रब्बे कायनात के दिन की इशाक करना यह हमारे कुलूब अजहान से निकलता चला गया जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी आज हमने उसको भुला दिया और अपने बच्चों को फकत इस चीज पर लगा दिया कि तुम्हें कुछ बनना है अच्छा फिर ये कॉम्पिटिशन का ऐसा सिलसिला होता है कि कई बच्चे वो बेचारे फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं मायूसी का शिकार हो जाते हैं कि जनाब मेरी पहली पोजीशन नहीं आई मेरी सेकंड पोजीशन नहीं आई मेरी थर्ड पोजीशन नहीं आई मेरे फला मेरिट के मुताबिक नंबर नहीं आए तो मुझे सपली लग गई है और एक पेपर में फेल हो गया दो पेपर्स में फ़ेल हो गया मेरे साथ ये मामला हो गया वो मामला हो गया बेशुमार खबरें हमारे माशरे में आपको ऐसी नज़र आएंगी कि जिन खबरों में ये होगा कि इम्तहान में नाकामी से दिल बर्दाश्त होकर फ़लाँ लड़के ने खुदकुशी कर ली फलाँ लड़की ने खुदकुशी कर ली तो हमारे जहन में फ़कत अपनी औलाद को ये समझाना होता है कि बस आपने पोजीशन होल्डर बनना है आपको तरक्की करनी है उसके जहन में ऐसा सिलसिला होता है कि जब वो अपनी मतलूबा अपने हदफ़ को नहीं पहुँच पाता तो वो मायूसी का शिकार होकर बेचारा और राह इख्तियार कर लेता है ऐसा नहीं करें यह दुनिया का मुस्तकबिल है अगर नाकामी हो भी जाए और चांसेस हैं जो अवेल हो सकते हैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा यह होगा ना कि एक साल के लिए पीछे रह गए कोई बात नहीं अगले साल मौका मिलेगा यह दुनिया का इम्तिहान है लेकिन ये गौर किया कि अगर आखिरत के इम्तिहान में नाकाम हो गए फिर कामयाबी का चांस कैसे मिलेगा उसके बाद तो कामयाबी के चांसेस नहीं होते अगर वहां अल्लाह रबुल इज्जत के कह गजब का शिकार हो गए तो राह फरार कैसे मिल सकेगी रिवायात हम तक पहुंची कि आज अमल का दिन है हिसाब का दिन नहीं है और बरोज -मेशर जो है वो हिसाब का दिन है अमल का दिन नहीं है आज अमल का वक्त है आज हमारे जिसम में ताकत है आज हमारे जिसम में तो है आज हम अच्छी तरह देख रहे हैं आज अच्छी तरह सुन रहे हैं हमारे रब ने अपने कलाम कुरानी मजीब्री हमीद में फरमाया या मा वालो अल्लाह से डरो और तुम में से हर शख्स देखे कि उसने कल के लिए क्या किया है जो कल है ये कल हमेशा की जिंदगी का कल है यह कल एवर लास्टिंग एक आबादुल आबाद तक चलने वाली जिंदगी का कल है एक एटर्नल लाइफ का कल है एक हमेशा की जिंदगी का कल है कि जिसकी तैयारी का हुक्म रब्बे कायनात ने अपने कलाम में इर्शाद फरमाया है लेकिन दुनिया में आकर हम भूल गए कि हम किस काम के लिए दुनिया में आए थे और किन कामों को हमने अपनी जिंदगी का मकसद समझ लिया आज अगर किसी को कहा जाए कि नमाज पढ़ वो कहते है, जनाब औलाद के लिए रिस्क कमा रहा हूं ये भी तो इबादत है दिन रात कोशिश कर रहा हूं ये भी तो इबादत कर रहा हूं तो मुझे टाइम नहीं मिलता इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि मेरी तवज्जो नहीं होती मैं इसी वजह से रोजे नहीं रख पाता मादल्ला मैं इसी वजह से हज पर नहीं जा रहा कि बच्चों के बोझ मुझ पर है अपने बच्चों को मैं जो रोजी कमा कर दे रहा हूं बस मेरा सब कुछ यही है ये नहीं है मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन ये हमारी मंजिल नहीं है जिसे हमने अपनी मंजिल समझा है ये मंजिल हकीकी मंजिल नहीं है बल्कि हकीकी मंजिल कोई और है जिसकी तैयारी का हुक्म रब कायनात ने इर्शाद फरमाया है उस तैयारी को हम भूल गए रब कायनात ने अपने कलाम में फरमाया है आ यह सबुल इंसान का सुदा इंसान क्या ख्याल करता है कि उसे ऐसी छोड़ दिया जाएगा दुनिया के इम्तिहान के हवाले से हमारा जहन है कि अगर कोशिश ना करें मेहनत ना करें अपने अपनी स्टडीज़ को फोकस ना करें तो कामयाब नहीं हो सकेंगे इम्तिहान करीब आ जाए ना तो इम्तिहान के बारे में एग्ज़ाम्स के बारे में ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं क्यों हो मैं एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा हूं मैं एग्ज़ाम दे नहीं सका मेरे सामने क्वेश्चन पेपर आया ओहो मुझे तो किसी सवाल का जवाब नहीं आया मेरे साथ ये हो गया मिसहैप हो गया ट्रैफिक में फंस गया खाब भी एग्जाम के हवाले से आते हैं दोस्तियां छोड़ देते हैं अनबाव अकसाम के खाने छोड़ देते हैं कि क्या करें कि इम्तिहान नजदीक है रात को ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं कि जिससे नींद उड़ जाए क्यों अपनी स्टडीज को फोकस करना है हमें कुछ बनना है हमें मेरिट तक पहुंचना है हमें पोजीशन होल्डर बनना है हमें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाना है हमें मेडिकल यूनिवर्सिटी जाना है हम रहना जाए इम्तिहान के खाब उसके लिए अच्छी अच्छी ट्यूशन रखते हैं एक एक सब्जेक्ट की ट्यूशन होती है कि अच्छी तरह अपनी स्टडीज को फोकस करें तो दुनिया के इम्तिहान की कामयाबी के लिए ट्यूशन रख ली आखिरत के इम्तिहान के लिए भी कोई ट्यूशन रखी कि उसकी तैयारी कैसे हो दुनिया के इम्तिहान के हवाले से आप बताएं कि जो कोशिश ना करें हम कहते हैं कि ये फेल हो जाएगा और फिर ये देखना है कि जो कोशिश कर रहा है वो कोशिश है किस लेवल की बात ऐसे है कि वो एग्जामिनेशन हॉल से जब निकलते हैं ना तो कहते हैं जनाब आज का पेपर बड़ा जबरदस्त हुआ है आज जो सवाल आए थे बड़े जबरदस्त तरीके से आंसर शीट मैंने बिल्कुल फिल कर दी एक्स्ट्रा शीट्स मैंने लगा दी हैं जनाब और बड़े अच्छे मार्क्स आएंगे आपसे मैं एक सवाल करता हूं कि बाज ऐसे सब्जेक्ट होते हैं खास तौर पर मास्टर्स में मैंने देखा है कि सिर्फ एक सवाल का जवाब आपको देना होता है सिर्फ एक एक शख्स उसको कोई ऐसे मिले उसे कोई मजमून मिले कि फुला टॉपिक पर आप ऐसे लिखें वो उस टॉपिक पर ऐसे लिखें एक्स्ट्रा शीट्स भी लगा दे और बाहर आकर कहें जना मैंने बड़ा कमाल का पेपर कर दिया एक्स्ट्रा शीट्स भी लगा दी हैं, और बस मेरे बड़े जबरदस्त मार्क्स आएंगे लेकिन जब वो एग्जामिनर के पास आंसर शीट पहुँचे एग्जामिनर देखे कि कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं कहीं पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं और कहीं पर वो जुमला सही अंदाज से बना हुआ नहीं है ना फ्यूचर का पता है ना पास्ट का पता है ना प्रेजेंट का पता है इतनी सारी मिस्टेक्स एक पेज पर आ जाएं, तो जितनी भी उसकी शीट है उस पर रेड लाइंस लग जाएं, आप बताएं कि उसको कितने नंबर मिलेंगे अपने तई उसने बहुत कुछ कर दिया लेकिन अगर अच्छा नहीं किया तो वो फेल हो जाएगा तो आखिरत के हवाले से बाज लोग बड़े जोम में होते हैं बड़ा उनको ये नाज होता है कि जनाब बड़ी निकियाम कर रहे हैं हम बड़े आमाले सा कर रहे हैं बस क्यामत का दिन आएगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा हमने बड़ी नेकियां की हैं नमाज पढ़ने वाले भी नमाजें पढ़ रहे हैं लेकिन तवज्जो नहीं होती उनकी कि अपनी नमाज में हमें रुको और सुजूद कैसे करने हैं बेशुमार लोग हमारे माशरे कैसे हैं कि जो नमाज पढ़ते नहीं हैं और जो पढ़ने वाले हैं उनकी नमाजों की कैफियत बड़ी अजीब है ऐसा लगता है कि वो टाइम देख कर नमाज पढ़ना शुरू करते हैं कि मुझे तीन मिनट में या ढाई मिनट में चार रकत मुकम्मल करनी है आप जरा गौर करें मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ और मदनी चैनल के और सामियाइन को भी कह रहा हो कि हमारी नमाजें इनको इसलाह की हाजत है कि जिस अंदाज से हम पढ़ रहे हैं ना अपनी नमाजें किसी अच्छे कार्य कुरान को सुना दें फिर पता लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे थे प्रैक्टिकल भी देखें प्रैक्टिकली भी हमारी नमाजों में बड़ी कमी होती है रुकू किया रुकू के बाद होता है कौमा सीधे खड़े होना बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन में आ जाना कम अज कम एक मरतबा सुबहान अल्लाह की मकदार बिल्कुल सुकून की हालत में आ जाना ये वाजिब है अब लोग क्या करते हैं रुकू में गए कई लोग ऐसे हैं रुकू में गए थोड़े से खड़े हुए सीधे सजदे में सजदा किया कई तो ऐसे हैं वो अपने हाथ भी नहीं उठाते सजदे की जगह से और दोबारा सजदे में या बिल्कुल थोड़े से बैठते हैं और दोबारा सजदे में चले जाते हैं तो इस तरीके से जो नमाज पढ़ेगा ऐसे शख्स के लिए मुख्तलिफ अकवाल हैं हजरत बिन जमान शख्स को ऐसे नमाज पढ़ते देखा तो फरमाया कि अगर इसी तरीके से तुम नमाज पढ़ते रहे तो खौफ है कि तुम शरीय मोहम्मदी पर नहीं मरोगे हमारी नमाजों का हाल यह है अपनी नमाजें हम सुनाते नहीं किसी को कि कितनी हमारी प्रोनंसिएशन uh, ग़लत है कितना तरीका गलत है कितने अंदाज़ गलत हैं ना फ़राइज का पता ना वाजिबात का पता ना शराइ का पता बस जी नमाज़ पढ़ लो अल्लाह कबूल करने वाला है तो अपने मामला तो हम देखें कि जब शरीय मतहरा ने मुख्तफ़ मामला को हम पर वाज़ कर दिया है तो हम उन मामला को सीखें और सीख कर वो काम करें हज़रत सुलमी राम त आपने एक मरतबा बड़ा उमदा किस्म का कपड़ा तैयार किया कपड़ा बेचने के लिए मार्केट में गए तो जिस बंदे को कपड़ा बेच रहे थे वो कोई बहुत बड़ा इसका माहिर होगा कपड़ा ख़रीदने का उसने कहा कि आपके इस कपड़े की वो वैल्यू नहीं है जो आप समझ रहे हैं इस कपड़े में फलां फलां खामी है खामियां है, खामियां गिनवा दी और कहा कि इसका वो रेट नहीं है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका रेट बहुत थोड़ा होगा जब आपने ये सुना तो आपने रोना शुरू कर दिया वो बंदा कहता है हजरत आप परेशान ना हो जाहिर जानता था कि अपने दौर के बहुत बड़े अल्लाह वाले थे हजरत आप परेशान ना हो मैं आपको वही कीमत दे देता हूं जो आप चाहते हैं फरमाया मैं ये नहीं सोच रहा मुझे कोई और बात रुला रही है वो बात यह है कि अपनी तरफ से मैंने उमदा कुपड़ा कपड़ा तैयार किया मैंने अपनी तरफ से आला कपड़ा तैयार किया लेकिन जब ये एक ऐसे शख्स के पास पहुंचा कि जो इसके ऐब को जानता है तो उस कपड़े के ऐब उसने निकाल लिए मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे आमाल जो मेरे नजदीक अच्छे हैं जब ये अहकमुल हाकिमीन के दरबार में पेश होंगे तो फिर पता चलेगा कि उसमें खामियां क्या क्या हैं अल्लाह वालों का अंदाज है कि उनके मामलात में फिक्र आखिरत मौजूद होती थी आज हमारी तवज्जो नहीं होती हजरत इब्राहिम बिन रहमतुल्लाह ताला अलैह एक वर्तमान एक हमाम में तशरीफ ले गए और आप में कई लोग जानते होंगे कि अब हमामों का दौर तकरीबन खत्म हो गया है अक्सर जगहों से पहले एक दौर था कि लोग हमामों पर जाकर नहाते थे तो आप जब हमाम पर तशरीफ ले गए तो हमाम के मालिक ने कहा जब तक आप दिरहम नहीं देंगे आपको नहाने नहीं दूंगा यह सुना तो आपने रोना शुरू कर दिया वो तो परेशान हो गया कि अपने दौर के मशहूर वली थे परेशान हो गया और कहा कि हजरत माफी से नवाज दें आप चाहें तो नहा लें कोई मसला नहीं आपने फरमाया कि मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि तुमने मुझसे दिलहम तलब किए हैं मैं सोच रहा हूं कि एक ऐसा हमाम के जिसमें गुनाहगार और नेक सभी लोग जाकर नहाते हैं इस वजह से उसमें मुझे जाने से रोक दिया गया कि मेरे पास दिरहम नहीं है मैं ये सोच रहा हूं कि क्यामत के दिन कहीं अगर मेरे नामाल में नेकियां ना हुई तो मुझे जन्नत में जाने से ना रोक दिया जाए इस वजह से मैं रो रहा हूं उनकी सोचों में आखिरत होती थी उनकी फिक्रों में दुनिया नहीं होती थी उनकी फिक्रों में फिक्र आखिरत होती थी और होती है ये अल्लाह वाले खत्म नहीं हुए दुनिया से अलहमद हमने तो किताबों में पढ़ा है ना Allah वालों के तर्ज अमल को तो रब कायन के कई बंदे ऐसे हैं कि अलहमद आज़ वजल आज भी उनकी सोचों में आखिरत की जिंदगी होती है वो इस दुनिया में अपना दिल नहीं लगाते वो दुनिया की नमतों को आर्जी समझते हैं वो आखिरत की जिंदगी की तैयारी की कोशिश करते हैं और यही तैयारी करने का हमें अल्लाह रबुल्जत ने हुक्म दिया है वालत नक्सुमाकदमत कि तुम में से हर शख्स देखे कि उसने कल के लिए क्या किया है और आज आज हमारे पास वक्त है हमारे जिस्मों में ताकत है हम जिंदगी की जो सांस ले रहे हैं ना इसमें आज अपना मुहासबा कर तो लें एक दिन का मुहासबा तो करें आज का मुहासबा तो करें कि मेरा आज का जो दिन गुजरा है मेरे इस दिन में अल्लाह इज़्ज़त की कितनी नाफ़रमानियां हैं कितने गुनाह हैं कितनी हैं कितनी चुगलियाँ हैं कितने झूठ हैं कितनी वाले की नाफरमानी है कितनी, 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 कितनी नमाजों को मैंने कज़ा किया है मैंने कितनी गफलत बरती है नैकियां करने में अगर मेरे आज के दिन पर मेरे जन्नति या जहन्नमी होने का फैसला होना था तो मेरे आमाल जन्नति वाले है हैं या जहन्नमियों वाले हैं आज वक्त है हमारे पास गौर करने की हाजत जिंदगी दोबारा नहीं मिलती एक ही मरतबा मिली है अपनी जिंदगी में यह ना सोचे कि कोई मिसहैप होगा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करेंगे कोई टेंशन होगी तो फिर अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे कोई गम आएगा तो फिर हम रब कायनात की तरफ रुजू करेंगे अपने गुनाहों से तौबा करेंगे कोई माइलस्टोन स्टोन आएगा कोई संगे मील आएगा तो हम मुड़ जाएंगे कोई यू टर्न आएगा तो मुड़ जाएंगे नहीं बेशुमार लोगों को मौका मिलता ही नहीं है और यह ना सोचे कि क्या के दिन कोई ऐसा मेरिकल होगा कि बगैर इम्तिहान किए बेड़ा पार हो जाएगा कोई ऐसा मेरिकल होगा कि बस जनाब बगैर हिसाब किताब के बख्शे जाएंगे ये ना सोचें अल्लाह इज़्ज़त के नेक बंदे लोगों को समझाते हैं समझाते रहे कि हम ये सोच कर अपनी ज़िंदगी को ना गुजारें कि बस जनाब मरेंगे तो देखा जाएगा दुनिया में तो कभी भी नहीं सोचा कि यार खैर है सफ़र पे जा रहे हैं एक ही सूट पहना हुआ खैर है काम चल जाएगा पैसे ले ना ले काम चल जाएगा इम्तिहान में कोशिश करें ना करें काम चल जाएगा दुकान पर इन्वेस्टमेंट करें ना करें काम चल जाएगा अपने बिजनेस को वक्त दें ना दें काम चल जाएगा दुनिया के हर मामले में हम अपनी एफर्ट्स को इंसर्ट करते हैं अपने दुनिया के मामला में अपनी एबिलिटीज को अपनी एक्सपर्टीज को अपने दुनिया के तजर्बात को हम शामिल रखते हैं लेकिन आखिरत के हवाले से अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं हज़रत हाति मौसम एक बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं एक शख्स इनकी खिदमत में हाजिर हुआ कि हज़रत आपकी दावत करना चाहता हूँ आपने शुरू में तो उसकी दावत कबूल नहीं फरमाई जब उसने इसरार किया तो फरमाया कि तीन मेरी शर्तें हैं तीन शर्तें कबूल करो तो दावत पर आऊँगा बंदे ने कहा ठीक है हज़रत आप इर्शाद फरमाए क्या शर्तें हैं फरमाया कि जहां चाहूंगा बैठूंगा जो चाहूंगा खाऊंगा जो कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा बंदे ने तीनों शर्तें मंजूर कर ली और वलीउल्लाह की दावत की थी मशहूर बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया अनवा अकसाम के खाने उम्दा उम्दा खाने तैयार किए और बड़े बड़े लोगों को जमा किया जब दावत का वक्त आया तो जरत हाथी मसम रहमत ये लोगों की ज्योतियों के ढेर पर बैठ गए अब शर्त थी ना कि जहां चाहूंगा बैठूंगा कुछ बोल ना सका जब खाने का वक्त आया लोगों ने अनवाकसाम की नियमतें खाना शुरू कर दी आपने रोटी का एक सूखा टुकड़ा जेब से निकाला और वो खाना शुरू कर दिया क्या करे कि जो चाहूंगा खाऊंगा जब लोगों ने खाना खा लिया तो आपने मेजबान को फरमाया कि एक अंगीठी लेकर आओ अंगीठी लाई गई तो फरमाया कि तवा लेकर आओ तवा अंगीठी पर रख दिया गया जब वो खूब दहक गया आप उस तवे के ऊपर खड़े हो गए नंगे पांव फिर नीचे उतरे और इर्शाद फरमाया कि आज मैंने रोटी का सूखा टुकड़ा खाया है आओ सब आओ और जो आज तुमने खाना खाया है उस खाने का हिसाब तो दो लोग रो पड़े कि ये कैसे हो सकता है कि दहकते हुए तवे पर हम खड़े हो जाएं ये तो उनकी करामत थी कि उन पर आग ने असर न किया तो लोगों को पता था कि हमारे पास कोई करामत नहीं है हजरत हम तो ऐसा नहीं कर सकते तो फरमाया उस दिन के बारे में गौर करो कि जिस दिन अल्लाह इज्जत के दरबार में खड़े किए जाओगे और रब तबारक तआला तुमसे अपनी नेमतों के बारे में पूछेगा तो हिसाब कैसे दे सकोगे और फिर कुरान की सूरत की आखरी आयत तिलावत थुम्मा इदिन फिर बेशक जरूर उस दिन तुमसे नेमतों से पुरसिश होगी यानी नेमतों के बारे में पूछा जाएगा तो अल्लाह वाले इस अंदाज से लोगों को समझाते रहे और समझाते हैं कि वो खाब गफलत से बेदार हों यानी उस दिन कौन सी करामत आ जाएगी कि अल्लाह इज़्ज़त के दरबार में खड़े हो जाएंगे और बेड़ा पार हो जाएगा जिन लोगों का बेड़ा पार है जिनका बेड़ा पार था वो रोते रहे नबी पाक सल्हु वसल्लम की जबानी जन्नत की सनत पाने वाले लोग रोते रहे कोई परिंदों को देख कर रोते या लई तनी मिसल का या बशारा। ए परिंदे काश में तेरी मिसल होता लेकिन मुझे बशर न बनाया गया होता कोई किसी जानवर को देख कर रोते हजरत अबू बकर सिद्दीख हो जानवर को देख कर रोते कि तू कितना खुश नसीब है जहाँ चाहता है चरता फिरता है लेकिन जब मरेगा तो तुझसे हिसाब ना होगा कहीं हजरत आय शरदा फरमाती या लई तनी कुंतु नसिया मनसिया काश।, काश में कोई भूली बिसरी चीज होती कहीं कोई साहबी फरमाते काश या लई तनी कुंत शजरतन दौदत काश में कोई दरख्त होता जिसे काट दिया जाता जिसे जला दिया जाता काश में राख होता काश में कोई मैढ़ा होता जिसे जबा करके लोग उसका गोश्त खा जाते ये जन्नती फरमा रहे हैं जरत हु जमान रजी अल्लाह गवर्नर बनाकर भेजे गए थे जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो रो रहे थे लोगों ने पूछा हजरत आपके रोने की वजह क्या है फरमाए कि इस वजह से रो रहा हूं कि मैं नहीं जानता कि अपने रब की रजा में दुनिया से जा रहा हूं या मैं अपने रब की नाराजगी के साथ दुनिया से जा रहा हूं मैं नहीं जानता उनका सौद उनका तकबा उनका खौफ खुदा मिसाली लेकिन दुनिया से जाते हुए अशकबारी कर रहे हैं आज हमारे पल्ले क्या है कुछ भी नहीं है पास याद ही नहीं नेकी कोई एक तो नेकी ऐसी होती कि अल्लाह की बारगाह में पेश करके उसका वास्ता देते कि मकफिरत का सवाल करते कि या इस नेकी का वास्ता मकफिरत फरमा दे कोई एक नेकी ना कर सके और अंदाज ऐसा है कि जैसे हमें को जन्नत की सनत मिल गई है तो जिन लोगों को जन्नत की सनद मिली वो रोते रहे हमें भी रोना चाहिए और ये रोना कैसे नसीब होगा ये रोना एक अच्छे ट्यूशन सेंटर में होगा कहा होगा अच्छे ट्यूशन सेंटर में होगा दुनिया के इम्तिहान की तैयारी ट्यूशन सेंटर में करते हैं ना अच्छे ट्यूशन सेंटर तो आखिरत के इम्तिहान की तैयारी घर पर नहीं होगी ये अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा अच्छे माहौल के साथ अपने एफिलिएशन को अपने राबिते को अपने ताल्लुक को मजबूत करना होगा अच्छे माहौल में आना जाना होगा अच्छे लोगों के साथ निशस्त तो बर्खास्त करनी होगी आशिकाने रसूल की सोहबत में रहना होगा अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी तबलीग कुरान सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक मशरक से मगरब शिमाल से जुनूब तक उम्मत के लिए कोशिश कर रही है और जो भी इससे वाबस्ता होता है अलहमद ला उसे फिक्र आखिरत नसीब जरूर हो जाती है नमाजों की महब्बत उसके दिल में पैदा हो जाती है आशिका ने रसूल के साथ काफिलों में सफर करने से उसे दीन सीखना आसानी से नसीब हो जाता है सिखाने का जज्बा हो जाता है मुहासबे का जज्बा पैदा हो जाता है कि मुझे अपना मुहासबा करना है हजरत उमर रो का पहला खुतबा आपने लोगों को फरमाया था बाद रिवायात में है और यह हदीस में भी है हासिबू कबल अन तो हासबू और बाद रिवायात में है हाशिबू अन कबलाहा सबू कि अपने आप का मुहासबा कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए तो वाकई दुनिया में ही हिसाब कर ले अपना वरना वहां पर अगर हुआ तो कहीं फंस ना जाए दुनिया में हिसाब करेंगे ना तो उसका क्या फायदा होगा कि या अल्लाह मैं कुछ ना कर सका या अल्लाह मैं नेकी ना कर सका मैं गाफिल रहा मैं गुनाह करता रहा मैं तेरी नाफरमानिया करता रहा मैं अपने वाले देन को सताता रहा मेरे हमसाये मुझसे खुश न थे मेरे दोस्त मुझसे खुश न थे मैं अपने मुआरे का एक बुरा इंसान बनकर अपनी जिंदगी गुजारता रहा मुहासबा किया है कुछ भी नजर नहीं आ रहा मुआफ कर दे मुआफी तलब कर ले जो बंदा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे के गुनाह को बख्श भी देता है और बाज ऐसे बंदे हैं कि जिनकी मुआफी इतनी कमाल की होती है कि अल्लाह व तआला उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है तो मुहासमे का ये फायदा है कि जब मुहासमा करेंगे तो अपना सारा कच्चा चट्टा खुल जाएगा कि मैंने किया क्या है मैं किस बात पर इतरा रहा हूं सब कुछ सामने आ जाएगा तो दावत इस्लामी के मुश्कार मदरी माहौल में आने जाने को हफ्तावार वजतमा में शिरकत को इलाकई दौरों को जो दर्ज होते हैं उन दुरूस में शिरकत को काफिलों में आशिका रसूल के साथ सफर करने को अपना मामूल बनाएं इन शबुलत फरज भी सीखेंगे वाजिबात भी सीखेंगे सुन्नते भी सीखेंगे और अमल का जज्बा भी पैदा होगा सलूब मैं मुबल बनू सुन तो काम बहरे खा के मदीना